हरियाणा में कांग्रेस सरकार के आने पर किसानों और गरीबों के लोन माफ करने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता अनिल विज ने कांग्रेस को झूठ की फैक्ट्री बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी लड़ाई छिपाने के लिए मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं कर रही है, क्योंकि इनकी सरकार तो बननी नहीं है। हर चुनाव से पहले झूठे वादे करके कांग्रेस लोगों को गुमराह करती रही है, लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं, लोग इनकी बातों में आने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने लोन माफी वाला बयान दिया था, जिस पर राजनीति गर्मा रही है। देखिए, कांग्रेस झूठ बोलने की एक फैक्ट्री है और हर चुनाव से पहले ये इस तरह के झूठे वादे करके आज तक लोगों को